एरर्स के अंदर ये बताया जाता है कि अगर मान लो आपके पास दो नंबर हैं और दो नंबर को मैं ऐड कर रहा हूं, तो इनके जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। जैसे कोई नंबर है 2 ± 0.2, कोई नंबर है 3 ± 0.2, ये उनके एब्सोल्यूट एरर्स हैं। और मैंने कहा कि इन नंबर्स को ऐड कर दो, तो सही नंबर में सही नंबर ऐड होके 5 तो देगा ही देगा, लेकिन इनके एब्सोल्यूट एरर्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा, 5 ± 0.4, पहला रूल है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इन दो नंबर्स को 2 ± 0.2, 3 ± 0.2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सही नंबर में से सही नंबर तो हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड ऐड हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ऐसे केस में एरर्स हमेशा ऐड होते हैं, एब्सोल्यूट नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बात अलग है। अगर आपके पास कोई भी नंबर है जो कि क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है, तो जैसे z इज इक्वल टू ए इंटू बी, या फिर z इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी, दोनों में एरर का रूल सेम है, डेल्टा z बाई z, इसको रिलेटिव एरर बोलते हैं z का, इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए एंड डेल्टा बी बाई बी। एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होते, इनके रिलेटिव एरर्स आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक उसी तरीके से अगर आपके पास, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है एक्सपोनेंट का, ए रेज टू पावर पी, बी रेज टू पावर क्यू और सी रेज टू पावर आर, तो इनमें डेल्टा जेड बाई जेड इज पी इंटू डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा ए बाई ए प्लस क्यू इंटू डेल्टा बी बाई बी प्लस आर इंटू डेल्टा सी बाई सी। तो ये आपके पास एरर का रूल लगेगा, तो रिलेटिव एरर्स के साथ जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, इसमें मल्टीप्लाई। ठीक है यहां तक, तो ये रूल लगाने हैं, लेकिन फॉर्मूला याद करके कुछ होगा तो है नहीं, न्यूमेरिकल में लगा के देखते हैं। तो एक न्यूमेरिकल जो बहुत ही फेमस है और पता नहीं कितनी बार ये पेपर मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों में आता है, वो क्या कि अगर मान लो आपके पास लेंथ ऑफ द पेंडुलम एल है, तो टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम क्या है, टी इज इक्वल टू 2π√L/g। तो इसके अंदर रूल लगा के देखो, डेल्टा टी बाई टी, देखो कॉन्स्टेंट्स में एरर नहीं होते, कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट है, वैल्यू मेजर जो मेजर वैल्यू है उनमें एरर होते हैं, तो नहीं है। एल की पावर क्या है, हाफ, और मान लो जी की वैल्यू भी मेजर कर रहे हैं, वैसे जी कई बार कॉन्स्टेंट भी होता है, अगर वो कह रहे हैं कॉन्स्टेंट नहीं है जी मेजरेबल है, तो हाफ इंटू डेल्टा जी बाय जी। तो ऐसे करके एक्सपोनेंट के रूल लगते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन की वैरायटी बताता हूं कि किन टाइप की प्रॉब्लम इसमें आती हैं। ठीक, तो क्वेश्चंस के अंदर जैसे सपोज करो परसेंटेज एरर कैसे लिखते हैं, पहले ये देख लो। जैसे सपोज करो गिवन है कि परसेंटेज परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एल, ऐसे लिखते हैं, परसेंटेज एरर इज गिवन 1%, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड इज गिवन 2%, फाइंड परसेंटेज एरर इन वैल्यू ऑफ जी। वो कह रहा है ये चीज निकालो, किसमें, फॉर्मूला गिवन है टी इज इक्वल टू 2π L/g के अंडर रूट में, इसमें ये वैल्यू निकालो। ठीक है, तो कई लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लिखेंगे जैसा कि मैंने सिखाया रूल, एग्जैक्टली वैसे ही रूल लगाएंगे ये लो, और फिर 100 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर वो बोलेंगे परसेंटेज एरर टी में कितना है 2%, इसमें कितना है 1%, एंड वी विल कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन जी। गलत, क्योंकि वो लोग क्या करेंगे, जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इसमें से इसके एरर को माइनस करेंगे, और एरर कभी माइनस होते नहीं, गलत हो जाएगा। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने क्या करना है, फिर जो चीज निकालनी है, क्या निकालना है इसमें, आपको इसमें जी में एरर निकालना है, तो पहले आप इसमें फॉर्मूला लिख लें, आप इसे स्क्वेयरिंग कर लें, स्क्वेयरिंग करके आप जी को एक तरफ ले जाएं,
और बाकी टर्म्स आप एक तरफ ले जाएं, मतलब जिसमें एरर निकालना है उसको एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ। अब आप एरर का रूल लगाएं, डेल्टा जी बाय जी, कांस्टेंट में कुछ नहीं, डेल्टा एल बाय एल, टू इंटू डेल्टा टी बाय टी। अब आप 100 से मल्टीप्लाई करें, इसका एरर और इसका एरर पता है, ऐड होके अपने आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? जो चीज निकालनी है उसको लेफ्ट पे रखें, आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो पहला रूल क्लियर है। इसके ऊपर तो बहुत क्वेश्चन आएंगे टाइम पीरियड पे, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट पाई एल बाई जी में तो पक्का क्वेश्चन आएंगे। दूसरा, इसके अंदर एरर को रिप्रेजेंट करने का तरीका परसेंटेज एरर है। या आपको होगा कि टाइम को मेजर किया मैंने 10 सेकेंड, और जिसमें एक्यूरेसी है 1 सेकेंड, एक्यूरेसी का मतलब है डेल्टा टी। एक्यूरेसी अगर गिवन है तो डेल्टा टी गिवन है, याद रखना। ये पॉइंट भी क्लियर है यहां तक? ठीक। नेक्स्ट है, इसमें वो स्टैंडर्ड डेविएशन वर्ड नया यूज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। डेविएशन का मतलब कितना एक्चुअल वैल्यू से अलग है वैल्यू, उसको भी एरर बोला बोला जा सकता है डेल्टा टी। तो इसकी डेविएशन कितनी है या स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है, वो डेल्टा टी है। राइट, क्लियर है यहां तक? तो जैसे क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि सपोज आपको एक्स गिवन है कोई क्वांटिटी एम एल टी, आपको मास का परसेंटेज एरर वो देगा मान लो 2%, आपको लेंथ का भी परसेंटेज एरर देगा मान लो 1%, आपको टाइम का परसेंटेज एरर देगा वो सपोज 3%, और आपको कहेगा कि एक्स का परसेंटेज एरर निकालो क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो कई लोग माइनस पावर का रूल लगाएंगे, मत लगाना। पहले एक काम करना, इसको सही तरह करके लिखना पड़ेगा ऐसे। अब रूल लगाओ, डेल्टा एक्स बाय एक्स, 3 इंटू डेल्टा एल बाय एल, 1 इंटू डेल्टा एम बाय एम, 2 इंटू डेल्टा टी बाय टी, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज एरर पुट करके डेल्टा एक्स का परसेंटेज एरर आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक। ठीक है, तो देखते हैं फिर। और यूनिट्स एंड डायमेंशन में तो मैं कुछ बता ही नहीं सकता, वो तो एमएलटी 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 और एमएलटी बस। ठीक है, तो एमएलटी में चलेगा ये लो। एक्यूरेसी प्रिसीजन ये सब एक ही बात है, एरर्स की कैटेगरी है सारी। तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम इन अ पेंडुलम क्लॉक इंक्रीज बाय 0.1%, क्या गिवन है? डेल्टा एल बाय एल इन टू 100। क्या निकालना है? एरर इन टाइम पर डे। जी में एरर ही नहीं दिया, इसका मतलब जी को वो कांस्टेंट मान रहा है, डेल्टा जी बाय जी लेना ही नहीं है, कांस्टेंट है। तो क्या करेंगे इसमें? तो इसके अंदर लगाएंगे फॉर्मूला, ये गिवन है, ये फॉर्मूला लगा के जी को कांस्टेंट मानते हुए हाफ इंटू सिर्फ डेल्टा एल बाय एल। तो आपको ये क्वेश्चन में डेल्टा एल भी गिवन है बाय एल 0.1 बाय 100 गिवन है, 0.1%। तो इसमें आपको पर डे डेल्टा टी निकालना है एक दिन में। तो आप यहां टाइम को क्या पुट करोगे? 1 डे। 1 डे का मतलब 24 आवर्स इंटू 60 इंटू 60, इसको राइट साइड पे ले जाएंगे डेल्टा टी आएगा, पूरे दिन का निकालना है। और इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करता जाएगा अलग अलग तरीके से। क्लियर है पहला स्टेप? नेक्स्ट है, ये लो, इरिटेटिंग है ये थोड़ा सा।
ये वाला ई ई तो चलो पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। एच का मतलब सोलेनोइड वाला केस है ये, कि बी जिसके अंदर हम यूज करते थे, बी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, हम याद है एन आई को एच लिखते थे, हिस्टेरेसिस वाला एच और आई के बीच में, तो ये वही है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो क्वेश्चन यही है आपको, इसमें पहले ई निकालना है, ई क्या है डीवी बाई डी आर, चलो वोल्ट पर मीटर पता है। फिर एच क्या है एम्पियर पर मीटर, वो एच इज इक्वल टू एन इन टू आई लगा लेना, एम्पियर पर मीटर। तो डिवाइड करेंगे तो वोल्ट पर एम्पियर करंट, वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है ओम रेजिस्टेंस। तो मेन बात है फॉर्मूला याद करना, ठीक है यहां तक मेथड समझ में आ रहा है? तो मेन तो फॉर्मूला याद करने वाली बात है, इसमें कुछ है नहीं। ये लो, ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम, दो रेजिस्टेंसेस जब पैरेलल में होती थी तो आपको इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस निकालने, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, एरर जब करते हो जरूर ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये वही सेम क्वेश्चन है सीरीज पैरेलल का, ये देखना। तो ये भी सही है, y की वैल्यू सही तरह करके लिखो, n की पावर 2 डिवाइडेड बाय r की पावर 4 डिवाइडेड बाय x की पावर क्या है, दिख सी नहीं रही इसमें, x की पावर क्या है, g की पावर क्या है x है, l की पावर 3/2 -3/2। अच्छा एक मिनट चेक कर लेता हूँ दोबारा से, हाँ x है यार ये तो, ठीक है बट डन। तो x है, तो ये वैल्यू आ गई। तो आपको ये क्वेश्चन में गिवन है कि आपको वैल्यू निकालनी है, ए परसेंटेज एरर इन y, m, r, l, g सब कुछ गिवन है, एंड p रिस्पेक्टिवली, लो एंड p रिस्पेक्ट, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड p। तो आपको रूल तो वही लगाना है ना, रूल तो यही लगाना पड़ेगा परसेंटेज का, इसमें कर भी कह सकते हो कुछ नहीं कर सकते, वैल्यूज पुट करोगे। तो ये वैल्यू आपको गिवन है कितनी 8, 8 इज इक्वल टू xp। अब आपको ना हिट एंड ट्रायल ऑप्शन देख देख के x और p पुट करके देखना है कि क्या आंसर क्या नहीं आंसर, p कुछ भी नंबर है, ठीक। ये देखो फिर से आ गया, इसे तो आना ही आना है, t इज इक्वल टू 2π√l, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, t इज इक्वल टू 2π√l/g। टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम गिवन है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, देखो क्या गिवन है इसमें, लेंथ ऑफ द पेंडुलम का मतलब क्या गिवन है इसमें L, 1 mm एक्यूरेसी का मतलब डेल्टा L, टाइम पीरियड ऑफ 200 ऑसिलेशन इज फाउंड टू बी क्या गिवन है T, और रेजोल्यूशन का मतलब डेल्टा T। तो परसेंटेज G में निकालना है। तो अभी मैंने आपको ये चीज बताई भी थी अभी, क्या कि पहले आप ये g को एक तरफ रखोगे, बाकी टर्म एक तरफ, फिर आपको डेल्टा l पता है, l पता है, डेल्टा t और t पता है, परसेंटेज एरर आ जाएगा आंसर। 200 ऑसिलेशन का कोई चक्कर नहीं, क्योंकि वो टाइम पीरियड गिवन ही 200 ऑसिलेशंस का है, तो एज इट इज पुट करेंगे तो ये भी 200 का, ये एरर भी 200 का गिवन है, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज t और डेल्टा t को पुट करेंगे, ठीक, पर ऑसिलेशन ही निकाल लेंगे, एज इट इज पुट करेंगे। लो फिर से आ गया, रिपीट आसान है, डेल्टा जेड बाय जेड 2 into डेल्टा a/a, 2/3 into डेल्टा b/b, 1/2 into डेल्टा c/c, 3 into डेल्टा d/d, ठीक हो गया। ये तो बेकार क्वेश्चन है, करके देख लो, किसी के सेट में ना आए देख लो, ये वो ट्रैप है, स्टूडेंट जाएगा टिकमा करेगा, घर में कहेगा पेपर बहुत बढ़िया हो गया, फिर रात को की आएगी और गलत कैसे हो गया, देख लो।
देखो इसके अंदर क्या गिवन है कि ये रीडिंग्स हैं, चार रीडिंग्स हैं। वो कहता है एवरेज निकालने की भी जरूरत नहीं, एवरेज मैं निकाल के देता हूं, तो एवरेज ये रही। तो हम चार रीडिंग में से एवरेज को करेक्ट वैल्यू मानते हैं, तो एक करेक्ट वैल्यू है। और स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब एरर, तो एरर कितना है, इतना एरर है, ठीक हो गया। तो कह रहे हैं कि फिर फाइनल रीडिंग क्या होगी। अब देखो ये ना कई स्टूडेंट क्लिक करते हैं, कईयों को नहीं क्लिक करेगा, क्या वो सिंपली कहेंगे कि दिस प्लस माइनस दिस, सिंपल, करेक्ट रीडिंग प्लस माइनस एरर। तो करेक्ट रीडिंग क्या है, 5.5375, और एरर क्या है, ये एरर है। प्रॉब्लम ये है, करेक्ट रीडिंग तो मिल गई, एरर थोड़ा चेंज सा हो गया, मतलब एरर में भी एरर आ गया। तो कहने का मतलब वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, बंदे को लगता है कि शायद अप्रोक्सीमेशन कर रहा है, शायद नजदीक वैल्यू में टिक कर दूं, क्योंकि करेक्ट वैल्यू तो इतनी है। अब प्रॉब्लम ये है कि कितने डेसिमल तक है, 1, 2, 3 और 4, और ये कितने डेसिमल है, 1, 2, 3, 4, और अब आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट फिगर सोचने पड़ेंगे, आपको हटाना पड़ेगा, या तो दोनों चार चार डेसिमल तक हो, या दोनों तीन तीन डेसिमल हो, या दोनों दो दो डेसिमल हो बराबर। अब इसके अंदर जो ऑप्शन वो ठीक कह रहा है, डी है, नहीं डी है वो कह रहा है, तो डी के अंदर उसने क्या किया, इसने इसको 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ कर दिया, 375 का इसने उठा के 4 कर दिया, और इधर से क्या किया, 0.7395 को क्या किया 0.07, दो दो डेसिमल का ऑप्शन इसे मार्क करवाया, तो डी ऑप्शन मार्क कर दिया। सी भी लग, मुझे भी सी लग रहा था पहले, नहीं मेरे को सी भी लग रहा था, 3 डेसिमल है, इसका राउंड ऑफ करके देखो 3 तक, सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि सारी रीडिंग 2 सिग्निफिकेंट की हैं, सही है, तो इसलिए आंसर भी 2 में ही चलेगा। पर देखो ना आप, नहीं पता लगता क्योंकि उसने जान के एवरेज दे दी। अब बच्चा इसको देखने की बजाय एवरेज देगा, वो कहता ठीक है मेरी टेंशन खत्म होगी, मैं एवरेज देखता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत लोगों का ऐसा क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, ये मतलब थोड़ा सा होशियारी से देखने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा गलत भी हो सकता है, तो इसलिए 2 डेसिमल वाला आंसर मार्क करेंगे, इसलिए सी भी नहीं करेंगे, पहले सी में भी ध्यान गया था, क्योंकि राउंड ऑफ करके देखो, चला कि देखो सी भी लग रहा है आंसर, राउंड ऑफ करके सी भी सही लग रहा है, अब सी और डी में कंफ्यूजन है, तो ये रीडिंग 2 में चल रही है, तो इसलिए आंसर डी मार्क करेंगे। चलो ठीक है, ठीक, एरर्स देखो यूनिट एंड डायमेंशन है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा इसमें, फॉर्मूला तो एमएलटी ही बचाएंगे, जैसे ई एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, मास, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो कह रहे पी का ये फॉर्मूला है, बोलो क्या ऑप्शन है, क्या करोगे, ई पुट करोगे, एल पुट करोगे, एम जी पुट करोगे, सॉल्व करोगे, जो आंसर आएगा वो आंसर होगा, ये वन आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका क्वेश्चन है, जैसे अगर फोर्स, लेंथ और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तो फिर डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, पहला तरीका बड़ा सिंपल है, आप इसमें फोर्स पुट करें एमएलटी माइनस टू, इसमें और इसमें पुट करें, जिसका आंसर एमएल माइनस थ्री आता है, बस वो आंसर है, क्योंकि बननी तो डेंसिटी चाहिए ना, तो आप ए ऑप्शन नहीं आ रहा, बी में टेस्ट कर लें, नहीं आ रहा सी में कर लें, या डी में कर लें, किसी का तो एमएल माइनस थ्री आएगा, ठीक है यहाँ तक। तो ये इसका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, चलो ये भी ठीक है, टॉलरेबल कर सकते हैं। अब ये देखो इसका क्या करें,
अब इस प्रॉब्लम की क्या समस्या है, लंबा है थोड़ा सा, अब मुझे पता इसका आंसर क्या है, इसका आंसर इनकरेक्ट है, इसका आंसर बी है। देखो पहले पॉइंट को समझो, इसमें ना करेक्टर बहुत ज्यादा यूज कर लिए, एस है, अल्फा बीटा कांस्टेंट है, चलो बात खत्म, है ना, अल्फा बीटा कांस्टेंट है, हर बंदा सोचता चलो एक तरफ से छूटे, अल्फा बीटा कांस्टेंट है, म्यू आपको गिवन है, जे आपको गिवन है, के गिवन है, आर गिवन है, सब कुछ गिवन है, क्या चीजें हैं। अब वो कह रहा है ये देखते हुए एंट्रोपी, एस एंट्रोपी, डी क्यू बाई टेम्परेचर, ये भी गिवन है, कह रहे कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बता दो, ये क्वेश्चन है। अब प्रॉब्लम है इनकरेक्ट के लिए पहले इन सबका डायमेंशन फॉर्मूला पता हो तभी कुछ बताऊंगा, तो मुझे क्या निकालना चाहिए, एस बीटा भी निकालना आना चाहिए, बीटा कांस्टेंट है जबकि बीटा डायमेंशनलेस नहीं है, ऐसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के भी तो डायमेंशन फॉर्मूला होते हैं, तो सारे कांस्टेंट डायमेंशनलेस हो ये तो जरूरी नहीं है, तो आपको सारों का पता होना चाहिए तो आंसर आएगा। अब पहला काम क्या है, बाकी करेक्टर तो पता है क्या है सारे, वो तो निकाल लूंगा मैं, अब मुझे पहले अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा, अल्फा बीटा कैसे निकलेगा, ये एक नंबर है थ्री डायमेंशनलेस है, तो थ्री में ये नंबर कुछ ऐड हो रहा है तो ये भी डायमेंशनलेस होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अगर ये इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है तो इसका भी नहीं है, तो इसको वन के इक्वल करो डायमेंशनलेस है, तो आर पता है, के पता है, म्यू पता है, जे पता है, क्या आएगा, बीटा आएगा, पहले पहला काम तो बीटा निकालने का है, तो बीटा आ गया, फिर ये लॉग के अंदर टर्म है, लॉग का तो नंबर होता है हमेशा, तो ये भी डायमेंशनलेस है, एस का पता है, बीटा निकाल लिया तो पहले क्या आएगा अल्फा, अब आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, लंबा बहुत है मैं बता रहा हूं, पर पहले अल्फा बीटा नहीं निकलेगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, तो ये थोड़ी लंबी प्रॉब्लम कहूंगा मैं इसमें, बट करना कैसे है ये समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट जो टर्म है या नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है, देखो तो यूनिट्स और एरर में से किस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, 95% चांस है कि ठीक ही न्यूमेरिकल आएगा, आपने देख ही लिया एक्सेप्ट वन और टू। अब जो अगली प्रॉब्लम है वो काइनेमेटिक्स की है, काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम कुछ कैटेगरीज में डिवाइडेड है, काइनेमेटिक्स में जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, सबसे पहले स्टार्ट होती है एवरेज वेलोसिटी से और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से, अगर आपको याद हो तो सबसे पहले स्टार्टिंग इसकी कहाँ से है सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डी एक्स बाय डी टी, फिर कैलकुलस से यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर सपोज पहला टाइप का प्रॉब्लम है आपको एक्स देगा जैसे टी स्क्वायर, आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछेगा तो आप इसको कैलकुलस से डिफ्रेंशिएट करेंगे और क्या निकालेंगे वेलोसिटी, फिर आपसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछेगा डीवी बाय dt आंसर, तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे x को तो a आ जाएगा। अब उल्टा किसी क्वेश्चन में आपको a गिवन है और आपसे क्या पूछ रहा है वेलोसिटी, तो आप इसमें क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन्हें इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगी वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी से x कैसे निकलेगा dx by dt is equal to v, तो इंटीग्रेट करके फिर से क्या निकलेगा एक बार x निकलेगा, तो यानी कि x से v, v से a डिफरेंशिएशन, a से v, v से x इंटीग्रेशन, पहले टाइप का न्यूमेरिकल है। दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल है ग्राफ, तो xt ग्राफ की स्लोप क्या देती है आपको वेलोसिटी, vt ग्राफ की स्लोप आपको क्या देती है एक्सेलरेशन, vt ग्राफ का एरिया आपको क्या देता है डिस्प्लेसमेंट, तीन रूल है यहां तक। नेक्स्ट रूल तो और भी है ग्राफ के कि गाड़ी जो चलती है वो या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है या एक्सेलरेशन में चलती है या रिटार्डेशन में चलती है, कांस्टेंट वेलोसिटी में चलती है इक्वेशन ऑफ मोशन क्या यूज करते हैं एस इज इक्वल टू वी टी, और अगर एक्सेलरेट करते हुए चलती है तो वी इज यू प्लस ए टी या एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू एस। तो पहली प्रॉब्लम कैलकुलस की आती है जो कि नॉन मेडिकल में ज्यादा आती है, मेडिकल में बहुत बेसिक आती है। दूसरी प्रॉब्लम आती है ग्राफ की, मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों में आती है। तीसरी प्रॉब्लम आती है जिसमें सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मेडिकल में पक्का आती है, नॉन मेडिकल में कह नहीं सकता। चौथी प्रॉब्लम आती है रिलेटिव वेलोसिटी की, ये भी चांस की बात है किसी के सेट में कोई एक क्वेश्चन आएगा किसी में रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी, वो नहीं आएगा तो वेक्टर की प्रॉब्लम आएगी, वो नहीं आएगा तो
प्रोजेक्टाइल आ जाएगा। इन चारों पांचों टॉपिक में से एक क्वेश्चन आना है मेंस में, और नीट में हो सकता है दो क्वेश्चन भी आ जाए। ठीक, तो एक तो पक्का ही है। तो जैसे सपोज करो ये आपकी पहली प्रॉब्लम है और काइनेमेटिक्स का कोई इलाज नहीं, कोई नहीं पढ़ा सकता काइनेमेटिक्स, ये खुद ही न्यूमेरिकल करने होते हैं, इसमें कोई ऐसा ट्रिक नहीं है। मेजर ट्रिक्स सबको पता है क्या है, इसमें करके ही पता लगेगा। जैसे आपको वेलोसिटी दे रहा है इन टर्म ऑफ टाइम, पूछ क्या रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्या कराया वी को वी से एक्स निकालना है तो डी एक्स बाई डी टी, तो क्या लगेगी इंटीग्रेशन, तो लिमिट क्या लगेगी टाइम की 1 से 2 सेकेंड। तो यहां पे मेडिकल के नहीं बोलूंगा मैं इसे, ओनली नॉन मेडिकल। तो वेलोसिटी को डी एक्स बाई डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई, टाइम की लिमिट लगेगी 1 से 2, तो इंटीग्रेट करके अपने आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट एस कैन भी कैलकुलेट है। ठीक है, तो ये तो उल्टा अच्छा है, नॉन मेडिकल तो ये सोचते ही हैं कि यार मेरे सेट में ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए, दो स्टेप करूं मेरा आंसर आ जाए। ठीक, तो नेक्स्ट जैसे ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी की प्रॉब्लम, मेरी शीट की प्रॉब्लम है जिन्होंने प्लस वन यहां से की हुई है, दिखा भी दूंगा। होगी एनसीईआरटी के अंदर आई हुई प्रॉब्लम है ये। तो इसके अंदर क्या गिवन है, इसके अंदर ये गिवन है कि अ कार एक्सेलरेट करती है रेस्ट से और अल्फा रेट के साथ, और फिर उसके बाद वो ब्रेक मारती है और रेस्ट पे फिर से आ जाती है बीटा रिटार्डेशन के साथ। आपको टोटल टाइम पूरी जर्नी का टी गिवन है, आपको इसके में निकालना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है। देखो अगर आप सीधे रास्ते से करोगे क्वेश्चन फिर तो है बहुत लंबा, तो आप इसमें इसमें क्या ट्रिक लगाते हो, ये मैंने प्लस वन में वैसे डिस्कस किया हुआ है कि आप इसमें ग्राफ प्लॉट कर लो। पहले कार रेस्ट से चलती है, अल्फा एक्सेलरेशन है क्योंकि स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ विल गिव एक्सेलरेशन, फिर ब्रेक मारती है रिटार्डेशन बीटा, टोटल टाइम पूरी जर्नी का कितना गिवन है टी, तो ग्राफ बना लिया। अब एक्सेलरेशन मान लो टी वन टाइम के लिए करती है, रिटार्डेशन टी टू टाइम के लिए करती है, तो इस दौरान ये मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर करती है कितनी वी मैक्स। तो आप फर्स्ट इसकी जो स्लोप होगी अल्फा वो क्या होगी वी मैक्स डिवाइडेड बाई टी वन, तो यहां से टी वन की वैल्यू क्या जाएगी वी मैक्स डिवाइडेड बाई अल्फा। सिमिलरली सेकेंड केस में क्या आएगा, टी टू की अगर वैल्यू निकालनी है तो टी टू की वैल्यू आएगी वी मैक्स डिवाइडेड बाई कितनी बीटा, लेकिन आपको पता है टोटल टाइम क्या है टी वन प्लस टी टू, तो टी वन की जगह पुट करेंगे वी मैक्स बाई अल्फा और इसकी जगह वी मैक्स बाय बीटा, तो सॉल्व करके क्या आएगा वी मैक्स। अब प्रॉब्लम ही है वी मैक्स तो निकाल लिया, पूछा किसने वी मैक्स, हमसे क्या पूछा गया डिस्टेंस, तो एरिया निकाल दो इसका टोटल, तो डिस्टेंस होगा हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। अब हाइट क्या है वी मैक्स, तो यहां से वी मैक्स निकाल के यहां पुट करके आंसर आएगा। आप कहोगे सर हमें सपना आएगा कि वी मैक्स निकालना है, मेरे को भी नहीं आता था, 10 बार कर रखी है प्रॉब्लम, याद हुई पड़ी है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, पता ही है कि पहले वी मैक्स निकलता है। इसे बोलते हैं प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कर लो, जो क्वेश्चन कम से कम देख रखे हैं वो भी कर दोगे ना तब भी बढ़िया सीट निकाल दोगे। तो ये क्वेश्चन ग्राफिकली करोगे ज़्यादा बेटर है, वैसे अगर आप मैथमेटिकली करोगे तो थोड़ा लंबा तरीका है इसमें। अब जैसे ये क्वेश्चन है, लो क्या बोलते हो आंसर, सी तो नहीं है, डी भी नहीं है, बी भी नहीं है, तुक्के नहीं चलते, ठीक है चलो, कईयों ने रैंडम तुक्के मारने की कोशिश की और सब फेल हो गए, इसका मतलब ये मत करना वहां पे, ठीक ठीक है। तो
इसके अंदर पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। देखो ये आप एक्सेलरेटेड मोशन है ना, गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है। अगर गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो इसका जो वीटी ग्राफ है वो कांस्टेंट बनेगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, रिटार्डेशन तो हो नहीं सकती, तो या ए है या डी है। उसके बाद ये तो चलो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो फैसला कर ही नहीं पा रहा। फिर एक्सटी ग्राफ पैराबोला बनता है हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन में। पैराबोला क्यों बनता है? एक्सटी ग्राफ की स्लोप क्या होती है? वेलोसिटी। तो देखो स्लोप बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, एक्सेलरेटेड मोशन। वैसे लोगों को याद होता है पैराबोला बनता है ग्राफ एक्सटी ग्राफ एक्सेलरेटेड मोशन का। क्लियर है यहां तक? ठीक, कोई डाउट इसमें? ठीक, अगली टाइप की प्रॉब्लम प्योरली इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम है। बॉल गिर गई, एच हाइट कवर कर गई, टी टाइम में कवर कर गई, एच इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो इस टाइप की प्रॉब्लम इसमें लगेंगी, तो जो प्योरली इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम है। और प्रोजेक्टाइल में सिंपल प्रॉब्लम आई हुई है, मुश्किल प्रॉब्लम आई नहीं। आप बेसिक अगर एनसीईआरटी भी करते हो तो भी आपके प्रोजेक्टाइल सॉल्व होती है। तो क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक आप प्लीज पुराने पेपर अपने सॉल्व